सो ये लड्डू खाकर आप अपनी बॉडी की वीकनेस और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत मदद करेगा। सो आज का ब्लॉग पूरा देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा रहा आपका रक्षाबंधन? मेरा कैसा रहा वो तो मैं आपके साथ शेयर करने आ गई हूँ, आप भी ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में शेयर करना। सो सुबह से मैंने 8:30 बजे मेहंदी लगा ली थी, मेहंदी लगाई नहीं थी तो 1 घंटा वही कुछ भी आर्टिस्टिक बना लिया मैंने जो समझ में आया ना। 1 घंटे के बाद फिर मेरा क्लास चला तो 1 बजे के बाद मुझे नहाने का टाइम मिला, नहाया धोया उसके बाद फिर रेडी हुई फटाक से। तो रक्षाबंधन मेरा बहुत ही हैक्टिक रहा बिकॉज ऑफ माय मुझे छुट्टी नहीं मिली जिसकी वजह से। तो कोई बात नहीं, एक सिंपल सा मैंने सूट डाला है येलो कलर का, उसके बाद सेरम लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, कॉम्पैक्ट लगाया और बिंदी लगाते ही हो गई मैं रेडी। लाल लिपस्टिक लगा ली, ये आ रहा है मेरा बेटा। तो ये देखिए मैंने हरी चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, सिंपल सी मैं लेके आई थी अपने लिए। राखी वगैरह भी आ गई, आपको पता ही है कि मैं गन्नू भैया को राखी बांधती हूँ, तो ये रही मैं। ये बहुत ही पुराना सूट है मेरा जो कि बिल्कुल ढीला हो गया है बट फिर भी अच्छा लग रहा है। लूज़ कपड़े भी कभी कभार अच्छे लगते हैं, ओवरसाइज्ड। तो यहाँ पर मैं गन्नू भैया को अपना पगड़ी बना के पहना रही हूँ, ये मैं लेके आई थी उनके लिए चुन्नी। और ये गन्नू भैया मेरे बहुत ही दिल के करीब हैं, एक तो इनको मैं राखी बांधती हूँ, ठीक है। दूसरा ये मुझे किसी ने दिए थे, गुजरात मैं गई थी तब वो कोई दीदी थी पूनम दी जो मुझसे मिलने आई थी कच्छ से, बहुत दूर से आई थी, और ये गन्नू जी लेके आई थी, तब से ये मेरे साथ हैं, मैं इनको ही राखी बांधती हूँ, है ना। और इनकी आंखों में मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है हमेशा ये मेरे से बात कर रहे हैं, बहुत ही क्लियर आइज़ हैं इनकी, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आंखें चल रही हूँ, ये मैं सच बोल रही हूँ। तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि 1:30 बज गया था, ठीक है, 1:30 बज गया, 1:45 बज गया, तो मैंने सोचा लो पहले मैं खिला देती हूँ खाना, बाद में राखी बांधूँगी क्योंकि मुझे लड्डू भी बनाने थे। मैं हमेशा लड्डू हाथ से ही बनाती हूँ, बाहर से मैं मिठाई नहीं मंगाती हूँ। तो रायता बना के सीधा, जैसे मैंने रायता बनाया बहुत टेस्टी बनता है, बिना तड़के के बहुत टेस्टी बनता है, ऐसे ज़रूर ट्राई करना। मैंने चिल्ड दही में पहले फेंट दिया, उसमें जीरा पाउडर, चाट मसाला एंड हींग डाला है एंड लाल मिर्च डाली है और कद्दूकस करके डाला है खीरा। इस तरह से बनाओगे ना बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों जन को खाना खिला दिया, मेरे कान्हा को और मेरे गन्नू भैया को। कान्हा जी तो मेरे बेटे हैं, गन्नू भैया मेरे भाई हैं। तो दोनों को खाना खिला दिया, राखी मैं बाद में बांधूँगी। उसके बाद ये रहे मेरे कान्हा जी, छोटे से हैं तो इसीलिए थोड़े दिखते कम है, जब पहना दो उड़ा दो, ये रही मैं। और फिर आ गए चाचू, मतलब उमेश भैया आ गए, उनका आज बर्थडे था, 19 अगस्त उनका बर्थडे होता है, तो लेकर आया अगस्त्या उनके लिए केक। और उनको अगस्त्या थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज़ है चाचू के, क्योंकि चाचू के साथ ज़्यादा रहा है, वो हमारे साथ अहमदाबाद में रहे हैं तो इसीलिए, तो उनके लिए केक लेके आया हो, तो केक कटिंग करी एंड उनका हमने सेलिब्रेट किया बर्थडे। एक्चुअली ये वन ऑफ माई फेवरेट केक है जो बैलून और रिबन एंड बैलून से मंगाया गया था, बट स्टिल मैंने नहीं लिया, बस क्योंकि केक कटिंग हो रहा था थोड़ा सा हल्का सा बाइट लिया, आई अवॉइडेड ही मैं। सो वेडनेसडे या थर्सडे से हमारी शिफ्टिंग चालू होने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया। हैप्पी बर्थडे, मैं तो सब खुला हूं, मैं तो मेरा तो खुला हूं, हैं मैं तो खुला था उसे जी को आप तो चलो अब बारी आती है हमारे वेट लॉस लड्डू की, हाई प्रोटीन यमी से लड्डू। ये लड्डुओं का पता है मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ लड्डुओं की, बिकॉज वेट लॉस जर्नी में मेरी इनने बहुत साथ दिया मेरा। और एक वेट लॉस के बाद, मेरा तो ऑलरेडी वेट लॉस हो ही चुका है, 1.5 साल हो गए मेंटेन करके रखा, फिर भी मैं लड्डू बनाती हूँ बिकॉज इससे अच्छा क्या होगा यार, बाहर की मिठाई से तो मेरा दिल ही नहीं करता। सीरियसली मेरे घर में 2 से 3 किलो मिठाई भी रखी होगी ना, तो मैं ये लड्डू को ही चुनूंगी, मुझे लड्डू घर के बने इस तरह के बहुत पसंद है। तो वही बनाने जा रही हूँ, जिनकी वेट लॉस जर्नी चल रही है उनके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि कोई भी क्रेविंग नहीं होती। अगर आप ये मिड मॉर्निंग स्नैक्स में या इवनिंग स्नैक्स में एक लड्डू ले लेना, ना आपका चॉकलेट खाने का मन करेगा, ना आपको बाहर कुछ खाने का मन करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। अब ये आपको बात करने के चक्कर में मैं रेसिपी नहीं बता पाई। सो ये क्या था अभी बताती हूँ। सो ये है रोस्टेड चने, जिनको मैंने पीस लिया है, लेकिन मेरे पास सत्तू पाउडर नहीं था, एक्चुअली ख़त्म हो गया था, तो मुझे ये पीस पासना पड़ा, उसके बाद फिर छान लिया। अब हम बताते हैं, तो यहाँ पर मैंने जितना घी डाला है ना, इसी में पूरे लड्डू बन जाएंगे। सो घी में मैंने डाला है 1 चम्मच गोंद पहले,
और उसके साथ चिरौंजी भी है, साथ में ही फ्राई हो गए। और इसको हम निकाल लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में, उसी में निकाल लेंगे सारी मेवा जितनी भी डाल रहे हैं। ये देखो एक चम्मच और डालेंगे, गोंद काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप ज़रूर लड्डू बनाएं अपने लिए, जिससे कि आपकी क्रेविंग ना हो। एक लड्डू ही लेना है, ऐसा नहीं कि चार लड्डू ले लो। मैंने भी कांड किया है, जिस दिन ये लड्डू बने थे मैंने, क्योंकि मेरा सुबह से फास्ट था, मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पे थी मैं, सुबह से टाइम भी नहीं मिला। लेकिन हाँ चाय पी ली थी मैंने मॉर्निंग में, चाय के बिना तो मेरा सर पकड़ लेता है। उसके बाद मैंने 3 बजे तक कुछ भी नहीं खाया था, राखी बांधने के बाद ही खाया मैंने। तो यहाँ पे मैंने डेट्स भी डाल दी हैं, ये डेट्स इन्होंने मंगाया सुशील जी ने, पता नहीं कैसे, मुझे ये वाले पसंद नहीं है, मुझे ड्राई डेट पसंद है। और इसमें क्या आता है ना, गुठली नहीं होती है, अर्जेंट में मंगा लिया था उनने, क्योंकि घर में कुछ भी राशन पानी नहीं भराया अभी, क्योंकि हम भराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इधर से अभी जाना है एक दो दिन में, तो फिर ठीक नहीं रहेगा। फिर मैंने देखो ये कद्दूकस करके रखा था कोकोनट, तो कोकोनट को हल्का सा रोस्ट कर लिया, घी डाला नहीं, उसी में रोस्ट कर लिया। कोकोनट में खुद का भी यार बहुत फैट होता है, तो घी डालने की ज़रूरत नहीं। ये मैंने सत्तू पाउडर डाल दिया, जो कि ज़रूरत नहीं थी डालने की, गैस बंद कर दी क्योंकि कढ़ाई गर्म थी, तो मैंने कहा लाओ इसको भी थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं, है ना। आपके पास सत्तू पाउडर हो तो डायरेक्टली आप यूज़ करें। ये हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया, ये इतना यमी लग रहा था। आप लड्डू ऐसे तो बर्फ़ी भी बना सकते हो आप इसकी, इसमें और वो डाल के नारियल की बर्फ़ी भी बनाते हैं लोग, इसको इस तरह से स्प्रेड करके बना लें, तो बर्फ़ी वर्फी ना बनाए, लड्डू बढ़िया रहते हैं। मैं कभी बर्फ़ी नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसमें अभी हम डालेंगे क्या, वही सत्तू पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो बेसिकली और सत्तू क्वान्टिटी में ले के स्पेशली सत्तू के लड्डू बना सकते हो। चीज़ें यही डालनी है, यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स कोकोनट के लड्डू बनाए तो मैंने सत्तू कम डाला। आप आटा सत्तू का ज़्यादा डाल सकते हो, ठीक है, जिसमें कि वो सत्तू का लड्डू बन जाएगा और उसमें ये ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगे आपके, तो इस तरह से कर सकते हो। बट मैंने ड्राई फ्रूट्स के ही लड्डू बनाए हैं, तो ऑब्वियस जिस चीज़ के आप बनाते हो तो वो चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, और बाइंडिंग के लिए, टेस्ट के लिए, प्रोटीन के लिए मैंने सत्तू पाउडर डाला है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही टेस्टी लड्डू बने थे। और इसमें सत्तू जो डाला था ना, वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आया, सौंदर्य सौंदर्य लड्डू लग रहे थे। बस यही कहना है, अगर लड्डू बना रहे हो तो सच में ईमानदारी से सिर्फ एक लड्डू लेना है आपने, अपना शतावरी टी या ग्रीन टी के साथ, मिड मॉर्निंग स्नैक्स में या इवनिंग में। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में ले लिया और इवनिंग में भी ले लिया, एक इज़ इनफ, ठीक है। सो ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू बने हैं, और घी भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला, उतने ही बन गए। जब आप डेट्स डालते हो ना लड्डुओं में तो घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब आप डेट्स नहीं डाल रहे हो ना तो फिर आपको घी डालना ही पड़ता है, फिर वो नहीं तो फिर गुड़ डालो, गुड़ का सीरा डालो। तो मैं जैगरी तो बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, जब मैं उसके लड्डू बनाती हूँ ना रागी के आटे के, तब मैं जैगरी का सीरा यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं तो फिर उसी में बनते हैं लड्डू, फिर ये नहीं कि एक्स्ट्रा से फिर जैगरी वगैरह डालूँगा। तो चलिए पहले मैं चार लड्डू निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे राखी के टाइम पे, क्योंकि ये कटोरी में जो मैं लगाने जा रही हूँ ना, ये जो मैंने डेकोरेशन करी है, क्या कहते हैं, बेरीज़ थी मेरे पास ड्राई बेरीज़, वो भी अनस्वीटेंड, ये मेरे बच्चे ने झूठी कर दी थी, तो इसलिए उन चार लड्डू में मैंने नहीं लगाया। तो ये मैं आ गई मंदिर में, और अब मैं राखी बांधने जा रही हूँ अपने प्यारे भैया को प्यारे से, और ये रहे मेरे गन्नू भैया। तो पहले मैं इनको राखी बांधूँगी, लड्डू खिलाऊँगी, आरती करूँगी, फिर मैं कान्हा जी को खिलाऊँगी। तो कान्हा जी भी आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये देखो नया नया ड्रेस पहना है। तो ये ऐसा रहा मेरा रक्षाबंधन के दिन भाई, 3:30 बज गया, फिर मैंने अपनी शतावरी टी बनाई और 2 लड्डू खाए। मैंने खाना तब भी नहीं खाया, इतनी थकान हो गई थी, मन ही नहीं किया। फिर मैंने अपना जो लंच और डिनर समझ लो 5 बजे किया, मैंने अपने लिए किनोवा बनाया, सब्ज़ी थी पनीर की, गोभी की मिक्स थी, एंड उसके साथ रायता था, हो गया मेरा डिनर। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को प्लीज़।